अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 और इसका हमारा टॉपिक है द एनिमल वर्ल्ड और लेक्चर नंबर है 20th और बुक पेज नंबर 33 आज हम करेंगे। ये एक्सरसाइज वर्क यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है पेज नंबर 33 से। कल हमने पेज नंबर 31 से एक क्वेश्चन किया था और पेज नंबर 33 से जो एक्सरसाइज वर्क था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 33 से बाकी के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज एन अदर वर्ड फॉर एनिमल्स, के एनिमल्स के लिए एक और वर्ड क्या होगा कुन एनिमल्स के लिए। नंबर ए, विद अ स्पाइन विदाउट अ स्पाइन, के वो एनिमल्स जिनकी स्पाइन होती है और वो एनिमल्स जिनकी स्पाइन नहीं होती उनके लिए हम एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स जिनका स्पाइनल कॉलम होता है और वो एनिमल्स जिनका स्पाइनल कॉलम नहीं होता। आंसर है इसमें नंबर ए का, द अनदर वर्ड फॉर एनिमल्स विद अ स्पाइन इज वर्टिब्रेट, कि वो एनिमल्स एनिमल्स का एक और नाम जिनके अंदर स्पाइन प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट होता है, उनका एक और नाम वर्टिब्रेट भी होगा। यानी कि अगर स्पाइनल कॉलम है हम एनिमल्स के अंदर तो उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाएगा, जैसे हम लोग हैं इंसान हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे अंदर स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आगे बी पार्ट, उसका आंसर है द अनदर वर्ड फॉर एनिमल्स विदाउट अ स्पाइन इज इनवर्टिब्रेट, कि वो एनिमल्स जिनके अंदर स्पाइनल कॉलम नहीं होता, स्पाइन नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। जैसे अगर हम इंसेक्ट्स की एग्जांपल ले लें तो इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन एनिमल सेल, एनिमल सेल क्या होता है, व्हाट डज इट डू, ये करता क्या है, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल, और इसके जो मेन पार्ट्स हैं एनिमल सेल के उनके आप नेम मेंशन करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको यहाँ मेंशन करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर के साथ मेंशन कर दिया बुक पेज नंबर 21, कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन करें, वहां पर इसका आंसर मौजूद है। ये आपको मैं सामने दिखाती हूँ, ओके, ये पेज नंबर 21, ओके, यहाँ से देखें एनिमल सेल, ये है, ये मैंने साथ में निशान लगाए हुए हैं, आप भी अपनी बुक्स खोलें और लगा लें। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी हुई हैं। सेल्स होल्ड ऑल द इक्विपमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिजम्स अलाइव, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सेल जो इक्विपमेंट होते हैं, जो जरूरियात होती हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो सारी उसको पहुँचाता है। आगे नेक्स्ट है, ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, हर एक सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आगे ये आपने बाकी सारा नहीं करना, यहाँ से फिर आगे इसके बाद आए, एन एनिमल सेल लुक्स लाइक दिस, कि एनिमल सेल इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये फिर आप इनके नेम्स लिखने हैं, डायग्राम ड्रा करें और इसके बाद यहाँ आ जाएं, ये इसके मेन पार्ट जो हैं उनके फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस क्या करता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल क्या करता है। तो यहाँ से लेके ना द एनिमल सेल लुक लाइक दिस, यहाँ से लेके ये एंड तक, ये देखे मैंने निशान लगाया क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये आपने करना है। ऊपर से पहले ये फर्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है, फर्स्ट 2 लाइन्स के बाद आके यहाँ से जहाँ लिखा हुआ है द एनिमल सेल लुक लाइक दिस, यहाँ से लेके एंड तक आपने सारा करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, और ये डायग्राम भी साथ में आपने अच्छी से करके ड्रा करनी है। अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मेंबर्स एंड मार्सपीलियस, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, कि प्लेसेंटल मेंबर्स में क्या डिफरेंस होता है और जो मार्सपीलियस मेंबर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, आप इनकी क्या करें, हर एक की एग्जाम्पल बताएं। तो आंसर है इसका, द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मेंबर्स एंड मार्सपीलियस इज दैट, जो मार्सपीलियस हैं और प्लेसेंटल मेंबर्स हैं उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो आगे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्या है, प्लेसेंटल मेंबर्स गिव बर्थ टू
द यंग हु आर वेल वेल व्हेन दे आर बॉर्न. प्लेसेंटल मेमल्स जो होते हैं जब वो अपने बेबीज को बर्थ करते हैं डायरेक्टली उनकी बर्थ होती है अपने मदर के पेट से तो वो वेल डेवलप्ड होते हैं. जब वो बॉर्न होते हैं तो वो पूरे डेवलप हुए होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप्ड होती है जब वो इस वर्ल्ड में आते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ह्यूमंस की और डॉग्स की. ह्यूमंस डॉग्स जो हैं ये क्या करते हैं जब उनके बेबीज की बर्थ होती है तो ये डेवलप होते हैं. ठीक है, आगे आप और भी एग्जाम्पल्स में मैंशन कर सकते हैं. सिर्फ टू एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, नहीं टू के बारे में था लेकिन मैंने खुद से टू ही मैंशन की है. आगे नेक्स्ट है मार्सुपीलियस मेम्बर्स. मार्सुपीलियस गिव्स बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्शली डेवलप. तो ये इनके बेबीज जो होते हैं जब इनकी बर्थ होती है तो वो पार्शली डेवलप होते हैं, इनके फुली डेवलप्ड नहीं होते. सबसे पहले क्या होता है, जो यंग वन होता है वो अपनी मदर की जो होती है पाउच होता है उसके अंदर ही क्रॉल करता है और उसको उसकी मदर जो है वो फीड करती रहती है. जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी मदर के पाउच से बाहर निकल आए और आकर इस वर्ल्ड में इमर्ज कर सके कर, तो तब क्या होता है वो अपनी मदर के पेड़ से सॉरी मदर के पाउच से बाहर आ जाते हैं. जैसे कैंगरूज हैं, ये कैंगरूज देखें आप. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने बेबीज को अपने पाउच में रखते हैं. जब ये वेल डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये अपनी मदर के पाउच से बाहर आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं इस वर्ल्ड में रहने के काबिल हो जाते हैं. तो इसमें कैंगरूज और पिजम्स ये क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं मार्सुपीलियस मैमल्स की. ठीक है, तो आई होप कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू को और थ्री फोर को आप अपनी नोटबुक पर मेंशन करें. चाहे तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो लॉन्ग है आप इसको बुक पर ही मार्क कर लें जैसे मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है और वहीं से आप लर्न कर लें. ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू और फोर उनको आप क्या करें, नोटबुक पर मेंशन करें और लर्न करें. कल इंशाल्लाह ताला हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.